इस साल बिहार के लोग मॉनसून से निराश हैं। राज्य में सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। राजधानी पटना की स्थिति और भी गंभीर है, जहां बारिश 40% कम दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों के किसानों के लिए ये बड़ी परेशानी बन गई है। हाल ही में एक्टिव मौसमी सिस्टम का पटना में कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। शहर में केवल हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि कुछ ग्रामीण इलाकों में मध्यम बारिश देखी गई। मौसम विज्ञान केंद्र IMD के आंकड़ों के अनुसार पटना जिले में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। आज का मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और आसमान साफ रहेगा। तेज धूप के कारण लोग परेशान हो सकते हैं, हालांकि सुबह और शाम थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक SK पटेल के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। एटमॉस्फेयर में 95% ह्यूमिडिटी होगी और हवा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। ज्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से उमस भरी गर्मी महसूस होगी, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। आज पटना में सूर्योदय 5:37 बजे हुआ और सूर्यास्त 5:50 बजे होगा। पटना के अलावा नालंदा में भी मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है। भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर जिलों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इन जिलों का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना है। बारिश की कमी के चलते किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सिंचाई की व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। नेपाल और पड़ोसी राज्यों में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर हैं, जिससे गंगा में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए पटना जिले के 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इनमें अथमलगोला, बाढ़, दानापुर, बख्तियारपुर, फतुहा, मनेर, मोकामा और पटना सदर प्रखंड के स्कूल शामिल हैं। ये स्थिति छात्रों और अभिभावकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। अठारह सितंबर को पटना का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी क्षेत्र यानी पटना एयरपोर्ट के आसपास दिन का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस, पूर्वी पटना में 33.5 डिग्री सेल्सियस और पटना वुमेन्स कॉलेज के आसपास 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना जिले के किसी भी इलाके में 18 सितंबर को बारिश दर्ज नहीं की गई। आसमान में आंशिक बादल छाए रहे और उमस का असर भी जारी रहा। बिहार में इस साल मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बारिश की कमी से कृषि पर खराब असर पड़ रहा है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में मौसम में सुधार आएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी।